Good morning, dear students. So today we are again just going to continue our lesson number 11, which is houses. ठीक है, तो हमने houses के बारे में कुछ तो पढ़ लिया था. लास्ट वीडियो में हमने houses के बारे में पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ houses हमने पढ़े थे, कच्चा houses एंड पक्का houses. तो पक्का houses यू ऑलरेडी नो, पक्का houses जो होते हैं वो सीमेंट, ब्रिक्स एंड सैंड, ग्रेवल, टाइल्स, है ना. तो जो पक्के घर होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो उन्हें स्ट्रांग बनाने के लिए हमें सीमेंट का यूज़ करना पड़ता है, ब्रिक्स मतलब ईंटों का यूज़ करना पड़ता है, सैंड मतलब बालू का यूज़ करना पड़ता है ना. तो जो और स्टील का यूज़ करना पड़ता है, स्टोन्स का यूज़ करना पड़ता है. तो जो घर सीमेंट, ब्रिक्स, स्टोन एंड स्टील से मिलके बनते हैं वो घर पक्का हाउसेस कहलाते हैं, और वो काफ़ी स्ट्रांग होते हैं. दे आर कॉल्ड पक्का हाउसेस. और ऐसे घर क्या कहलाते हैं? पक्का हाउसेस. मोस्ट ऑफ द हाउसेस इन विलेज आर मेड ऑफ मड, स्ट्रॉ, वुड एंड लीव्स. दे आर कॉल्ड कच्चा हाउसेस. तो ज़्यादातर जो घर होते हैं हमारे गाँव में, मतलब जो मिट्टी से बने हों और चारे भूसे से बने हों और पत्तियों से मिलके बने हो या लकड़ियों से मिलके बने हो, तो ऐसे घरों को कच्चा हाउसेस कहते हैं, जो कि जिनकी लाइफ ना ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, कुछ सालों में गिर जाते हैं. ओके, तो ये लेसन नंबर 11 डाल के आपको एक बहुत सा ब्यूटीफुल हाउस बनाना है. ओके, ये आपका होमवर्क था ना, बहुत ही प्यारा सा आपको घर बनाना है. ओके, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स. अ हाउस मेड ऑफ ब्रिक्स इज कॉल्ड अ, वो घर जो ईंटों से मिलके बनता है तो वो कैसा हाउस है, कच्चा या पक्का? पक्का है ना, तो उसमें आप फिर अप करेंगे पक्का, पी यू डबल सी ए, पक्का हाउसेस. देखिए, अ हाउस मेड ऑफ ब्रिक्स, हम पेज नंबर 75 में हैं. ओके, पेज नंबर 75. तो वो घर, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स. तो फर्स्ट नंबर पे है अ हाउस, अ हाउस मेड ऑफ ब्रिक्स, अ हाउस मेड ऑफ ब्रिक्स, अ हाउस मेड ऑफ ब्रिक्स इज कॉल्ड, वो घर जो ईंटें पत्थरों से मिलके बनता है वो घर क्या कहलाता है? पक्का हाउसेस, जो कि बहुत स्ट्रांग होते हैं. ठीक है, फर्स्ट ये हो गया. नाउ सेकेंड वन इज कच्चा हाउसेस आर मोस्टली फाउंड इन. कच्चा हाउसेस ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? कच्चा हाउसेस, कच्चा हाउस ये सब बन चुके हैं. दीजिए सर, मेरे पेपर में आते देखें जी सर, मैं मंगवाती नहीं, क्योंकि गाड़ी नहीं बोला मैं मंगवा दी, कहीं तो मैं जाऊँ ले आऊँ. कच्चा हाउसेज आर मोस्टली फाउंड इन. कच्चा हाउसेज ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? कच्चा हाउसेज आर मोस्टली फाउंड इन विलेज. ओके, तो जो कच्चा हाउसेज होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? विलेजेस में, गांव में पाए जाते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज देयर आर मेनली डैश टाइप ऑफ हाउसेज. मतलब कितने प्रकार के घर होते हैं? टू टाइप्स के. तो देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ हाउसेस, टू टाइप्स ऑफ हाउसेस. ओके, तो यहाँ यू हैव टू फिल टू टाइप्स, क्योंकि एक कच्चा हाउस हो गया और एक क्या हो गया? पक्का हाउस हो गया. तो टोटल कितने प्रकार के घर होते हैं? मेनली जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, कच्चा और पक्का. अब देखिए, हम देखते हैं रूम्स इन माय हाउस, हमारे घर में कौन कौन से रूम्स हैं, चलिए वो भी देखते हैं. माय हाउस हैज़ मैनी रूम्स, मेरे घर में कई रूम हैं. अ रूम कंटेन अ रूफ, मेरे रूम में एक रूफ है, मतलब एक छत है, एक दरवाज़ा है, और फ्लोर है, फ्लोर मीन्स जमीन या फर्श. ओके, और विंडोज़ है, और कई सारी विंडोज़ है. ठीक है ना, आपके घर में एक क्या है? छत है, डोर है बाहर जाने के लिए या अंदर आने के लिए, फ्लोर, फ्लोर मीन्स फर्श है. ओके, और उसके बाद क्या है? विंडोज़ है. ओके, तो ये हो गया. अब देखते हैं ड्राइंग रूम. ड्राइंग रूम में अगर हम देखें तो क्या हो सकता है? वी सिट एंड टॉक टू आर गेस्ट इन द ड्राइंग रूम. ड्राइंग रूम में हम बैठते हैं, अब जो हमारे जो गेस्ट वगैरह आते हैं वो भी हमारे ड्राइंग रूम में ही बैठते हैं,
और उनसे हम बैठकर वहीं बातचीत जो भी होती, जब भी कभी गेस्ट वगैरह आते हैं तो हम अपने गेस्ट रूम को ही ड्राइंग रूम बना के, गेस्ट रूम को हम ड्राइंग रूम ही कह सकते हैं, तो ड्राइंग रूम में हम बैठते हैं और अपने मेहमानों से बातें करते हैं। ओके, जब भी आपके घर में कोई गेस्ट आता है तो उसे किस रूम में बिठाया जाता है? ड्राइंग रूम में। ओके, चलिए अब देखिए डाइनिंग रूम की बात करते हैं। डाइनिंग रूम मीन्स क्या हो जाएगा? वी ईट ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर इन द डाइनिंग रूम। डाइनिंग रूम में हम क्या क्या करते हैं? ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं एंड डिनर करते हैं विद आर फैमिली। फैमिली के साथ बैठ के हम डाइनिंग रूम में ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर करते हैं। और आपको ये तो पता है कि ब्रेकफास्ट कब किया जाता है, लंच कब करते हैं और डिनर। ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, लंच इन द आफ्टरनून एंड डिनर इन द नाइट। ओके, और इन द इवनिंग। बेडरूम, अब देखिए बेडरूम की बात करते हैं। बेडरूम को तो देख के समझ में आ रहा है कि ये तो सोने वाला ही रूम है ना। वी स्लीप इन द बेडरूम। हम सोते कहाँ हैं? स्लीप मीन्स क्या होता है? स्लीप मीन्स सोना, और हम स्लीपिंग कहाँ करते हैं? अपने बेडरूम में। ओके, जहाँ पे हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करता है। अब अगर आप सोचें कि आप ड्राइंग रूम में सो जाए, तो ड्राइंग रूम में अगर आप सोएंगे अचानक से कोई गेस्ट आ गया तो फिर आपको उठना पड़ेगा। इसीलिए ड्राइंग रूम गेस्ट के लिए होता है और बेडरूम आपके स्लीपिंग के लिए। ओके, Some houses have more than one bedroom. कुछ घरों में तो एक से ज़्यादा बेडरूम होते हैं ना। जो बड़े, जो लोग थोड़े रिच होते हैं या जिनके पास ज़्यादा पैसे होते हैं ना, वो ना एक से ज़्यादा बेडरूम बनवाते हैं, है ना। ओके, तो ये हो गया हमारा बेडरूम। अब हम टर्न एट पेज नंबर 76 पेज नंबर में टर्न कीजिए। लिखा है वी कुक आर फूड इन द किचन। हम अपना खाना कहाँ बनाते हैं? मम्मा खाना कहाँ पकाती हैं? किचन में। ओके, वी कुक आर फूड इन द किचन। देखिए किचन का भी बना हुआ है ना यहाँ पे। अब देखिए सबसे नीचे है बाथरूम। बाथरूम में देखिए क्या होता है, वी वॉश एंड बाथ इन द बाथरूम। हम बाथरूम में अपना फेस वॉश करते हैं और हम वहाँ पे फ्रेश होने के लिए जाते हैं। ओके, तो वी वॉश एंड बाथ, नहाने के लिए जाते हैं, हाथ पैर धुलने हैं, तो हम बाथरूम का यूज़ करते हैं। तो ये कुछ रूम हो गए हैं। इसके नीचे दिया हुआ है टाइम टू आंसर, जो कि आपको खुद सॉल्व करना है। ओके, तो बाकी का नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, बाकी आप लोग फर्स्ट टू 10 चैप्टर तक आप लोग को कम्प्लीट करना है, क्योंकि ऑन योर हाफ ईयरली एग्जाम लेसन नंबर फर्स्ट टू चैप्टर 10 विल कम। सो बी प्रिपेयर फॉर योर फर्स्ट टू 10 चैप्टर। बाकी 11 चैप्टर भी हम कंटिन्यू हम कर ही रहे हैं। इसके क्वेश्चन, इसके फिल इन द ब्लैंक्स मैं द फॉलोइंग करवा दूंगी। उसके बाद सिर्फ आपका रिवीजन होगा। फर्स्ट टू 10 चैप्टर तक आपको सिर्फ रिवीजन करवाऊंगी मैं। ओके, थैंक यू सो मच।